जय हिंद दोस्तों जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नेटवर्किंग मैराथन चल रही थी नेटवर्किंग की बच्चों चार मैराथन मैराथन क्लास हो चुकी थी सीरियल वाइज उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए सभी क्लास के अंदर प्रोग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जिनकी संभावना है वो सब करवाई जा रही है कंप्लीट कर लीजिएगा इनको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और देखिए सबसे पहले तो आप अपने ग्रुप के अंदर क्लास को शेयर कर सकते हो जो भी आपके ग्रुप है अगर आप क्लास में नए हो तो ये रोज क्लास लगती है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक like भी कर दीजिए क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है नेटवर्किंग के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए आप ऑफ द प्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोर्ट एड्रेस इज नॉट ट्रू बच्चों पोर्ट एड्रेस के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है क्लियर अच्छा क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करना

पोर्ट कि एड्रेस तो कितने बच्चों ये भी कितने? याद रखना है जो पोर्ट है वो तीन कैटेगरी के, के होते हैं अगर कोई ये पूछे पोर्ट कितने तरीके के होते हैं तीन कैटेगरी के, के होते हैं वेल नोन पोर्ट बच्चों क्लियर एक तो ये याद रखना वेल नोन पोर्ट बच्चों क्लियर और एक पोर्ट वो होते है जो ये वेन नॉन पोर्ट होते हैं बच्चों और एक पोर्ट वो है जो फिक्स नहीं है बच्चों क्लियर याद रखिए नॉन पोर्ट की वैल्यू से लगा के एक हजार तेईस तक होती है बच्चों क्लियर याद रखिए ये फिक्स पोर्ट पोर्ट होते है, एक वो होते हैं हैं एक वो जो फिक्स नहीं है बच्चों क्लियर इनके अंदर भी दो तरीके के होते हैं एक तो कौन से होते हैं स्टैटिक स्टैटिक पोर्ट पोर्ट या फिर रजिस्टर पोर्ट बच्चों क्लियर रजिस्टर पोर्ट क्लियर जो रजिस्टर हो रखे हैं उनको कहते हैं रजिस्टर पोर्ट तो रजिस्टर पोर्ट बच्चों क्लियर कौन से पोर्ट रजिस्टर, पौर्ट, रजिस्टर, पौर्ट. अब रजिस्टर ये कौन से होते हैं तो बच्चों ये इनकी संख्या एक हजार चौबीस से लगा के फोर नाइन वन फाइव वन तक होती है और एक होता है बच्चों डायनेमिक पोर्ट अब इनको पूरा समझना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है डायनेमिक पोर्ट की जो वैल्यू होती है वो फोर नाइन वन फाइव टू से लगा के बच्चों कहां तक होती है सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तक होती है बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है अच्छा पोर्ट होता क्या है तो ये भी समझ लीजिए बच्चों एक बार बताइए जैसे मेरी बॉडी के अंदर मेरा मुंह एक पोर्ट है और मेरा कान एक किसी का एक कान पोर्ट है बच्चों क्लियर तो मेरे मुंह से जो सर्विस जा रही है वो इसके कान में जा रही है बच्चों क्लियर तो कॉमन सी बात है बच्चों बहुत सारे रिजर्व पोर्ट होते हैं इनको नोन पोर्ट या रिजर्व पोर्ट कहते हैं रिजर्व पोर्ट कहते हैं बच्चों क्लियर और इनको क्या कहते हैं अनरिजर्व पोर्ट कहते हैं अनरिजर्व पोर्ट कहते हैं बच्चों क्लियर याद रखना टोटल पोर्ट की संख्या कितनी है पैंसठ और इनकी नंबरिंग कितनी है जीरो से पैंसठ बच्चों क्लियर चलिए अगर कोई ये पूछे कि ठीक है यार जो ये रिजर्व पोर्ट व्हेन नॉन पोर्ट है इनको कौन डिफाइन करता है इनको डिफाइन करता है आईएएनए बच्चों क्लियर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी बच्चों क्लियर याद रखना इंटरनेट नंबर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी असाइन नंबर अथॉरिटी बच्चों क्लियर नंबर अथॉरिटी अथॉरिटी बच्चों क्लियर ये इनको डिसाइड करती है अथॉरिटी वो इनको डिसाइड करती है बच्चों क्लियर अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ ये पोर्ट कौन से है जैसे रिजर्व पोर्ट पोर्ट है है नंबर कितना बच्चों याद रखना 20 और 21. पहले मैंने पढ़ा रखा है एक बार जरूर देखिएगा बच्चों क्लियर टेन ने ट्वेंटी थ्री तो ये क्या है बच्चों वेल डिफाइंड पोर्ट है जो पहले से ही रिजर्व है बच्चों क्लियर स्टेटिक जो होते हैं ये एप्लीकेशन को दिए गए जितने भी एप्लीकेशन है बच्चों कंपनीज के एप्लीकेशन उनको स्टैटिक पोर्ट दिया गया है ये भी कौन देता है ये भी देता है आईएन बच्चों क्लियर ये भी कौन देता है तो ये भी आई एन ही देता है बच्चों क्लियर ये जो है ना बच्चों यूजर यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए बच्चों क्लियर याद रखिए याद रखिए जब ये काम कहां पर करते हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते हैं याद रखना बच्चों जब भी कोई सेगमेंट जाता है तो उसमें सेंडर और रिसीवर का पोर्ट नंबर जाता है अगर मैं मेल सर्विस मेल सर्वर को भेजना चाहता हूँ ये क्या है बच्चों मेल सर्वर है मेल सर्वर है इसका मतलब ये है कि जब यहां से डेटा जाएगा तो यहाँ पर बच्चों रिसीवर का पोर्ट नंबर क्या जाएगा पच्चीस और ये भेज रहा है अरविंद सर तो इसका पोर्ट नंबर क्या है इसका पोर्ट नंबर मान लीजिए अः छप्पन हजार एक सौ बावन है बच्चों क्लियर तो याद रखिए ये जो पोर्ट यूज किया गया ये इसको टेम्प्रेरी बेसिस पे मिला है इसको क्या कहते हैं डायनेमिक पोर्ट डायनेमिक पोर्ट बच्चों यूजर को कम्युनिकेशन के लिए मिलता है बच्चों परमानेंट नहीं मिलता है बच्चों यूज करने के लिए इसको दिया जाता है स्टैटिक बच्चों एप्लीकेशन को दिया जाता है स्टैटिक का मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर एक बार बताइए डेटा बेस सर्वर का कोई पोर्ट है बिल्कुल किसी कंपनी ने बुक कराया होगा तो वो उसका पोर्ट नंबर है तो उसकी सर्विस वहीं से दी जाती है तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कितने बिट का है 16 बिट पोर्ट नंबर से पैसठ हजार पांच सौ पैतीस पोर्ट कितने तरीके के होते हैं दो तरीके के रिजर्ड और अनरिजर्ड बच्चों क्लियर रिजर्व वो है जो किसी कंपनी को नहीं दिए जा सकते बच्चों क्लियर किसी यूजर उसको अपनी सर्विस के लिए यूज नहीं कर सकता इनकी सर्विस पहले से प्री डिफाइंड है बच्चों ये मोस्टली सर्वर्स को दिए जा रहे हैं एस एम टीपी सर्वर एफ टीपी सर्वर बच्चों इन सर्वर के पास अगर रिक्वेस्ट भेजनी है मेल सर्वर के पास तो पोर्ट नंबर पच्चीस लिख के आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी बच्चों इसी तरीके से अनरिजर्व जो पोर्ट होते हैं वो स्टेटिक और डायनेमिक होते हैं स्टेटिक की संख्या पूछ ली जाती है एक हजार चौबीस से लगा के फोर नाइन तक एक सौ इक्यावन तक और वो बावन से स्टार्ट होकर पैंतीस हजार पांच सौ पैंतीस तक ये यूजर यूज करता है ये डायनेमिक पोर्ट होते हैं ये स्टेटिक पोर्ट होते हैं ये नोन पोर्ट होते हैं ये रिजर्व पोर्ट होते हैं ये अनरिजर्व पोर्ट होते हैं अगर किसी कंपनी ने अपनी सर्विस बंद करनी है तो बच्चों ये दूसरी कंपनी को दे दिया जाते हैं बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पोर्ट का मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी अब इसको सर्विस के बारे में बताते हैं जैसे 25 लिखा है तो मेल सर्वर की सर्विस है एफ तो फाइल सर्वर की सर्विस को लेना चाहता है बच्चों क्लियर ए, number, ये पोर्ट एड्रेस 32 बिट नंबर ये बिल्कुल गलत है पोर्ट एड्रेस 16 बिट का होता है बच्चों क्लियर कैसा नंबर होता है डेसिमल नंबर होता है ये पॉइंट आपको याद रखना, तो रखना है आपका पॉइंट नंबर बी गलत है यहां तक अगर आपके क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं क्लियर सभी को हिंद सभी को हिंद बच्चों क्लियर अगर आपके क्लियर है तो अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं अब मेरे को नहीं लगता कि पोर्ट एड्रेस के अंदर आपको कोई गड़बड़ मिलेगी बच्चों एक चीज और ध्यान रखना सॉकेट एड्रेस क्या होता है बच्चों क्लियर सॉकेट एड्रेस में आईपी प्लस पोर्ट मिलकर सॉकेट एड्रेस बनता है ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है जिस दिन सॉकेट एड्रेस का कोई क्वेश्चन आएगा उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे लेकिन अभी तो तुम इतना याद रखो कि पोर्ट अगर एड्रेस है तो सॉकेट एड्रेस क्या होता है तो बच्चों याद रखना आईपी के साथ अगर पोर्ट एड्रेस मिल जाए तो क्या होता है बच्चों सॉकेट एड्रेस बच्चों क्लियर याद रखना बच्चों सॉकेट एड्रेस कम्युनिकेशन करने के काम में आते हैं

तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है बच्चों याद रखना इसका एक पोर्ट नंबर है और यूजर का पोर्ट नंबर बच्चों फोर नाइन फाइव टू से ऊपर ही होगा तो बच्चों मैंने कर दिया पचास हजार बच्चों पचास हजार को यूज कर रहा है क्योंकि इसके मुंह से आवाज आ रही है लेकिन ये किसी न किसी सर्वर के ऊपर क्योंकि इंटरनेट पे इंटरनेट के ऊपर पोर्ट यूज किए जाते हैं तो इंटरनेट की जितनी भी सर्विस होती है हो, सर्वर के थ्रू अब बच्चों ये आवाज रही है मान लो मेल जा रहा है तो मेल के लिए बच्चों जो यूजन ने एप्लीकेशन यूज की उसका पोर्ट नंबर कितना है पचास हजार बच्चों क्लियर सर्विस बच्चों उसका पोर्ट नंबर कितना है पचास हजार और मेल सर्वर का पोर्ट नंबर कितना है पच्चीस बच्चों क्लियर तो याद रखिए एक तो आपको पोर्ट चाहिए और एक का आपका क्या चाहिए आईपी और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है सॉकेट सॉकेट एड्रेस कनेक्शन ओरियंटेड होते हैं बच्चों क्लियर कनेक्शन कनेक्शन एड्रेस क्या होता है कई बार पूछ लिया जाता है तो बच्चों कनेक्शन एड्रेस को ही सॉकेट एड्रेस कहते हैं बच्चों क्लियर ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है बच्चों क्लियर याद रखिए कम्युनिकेशन बनाने के लिए सॉकेट एड्रेस की अपन को जरूरत है फिर बीच 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 में बच्चों इनको ले जाने के लिए इंटरमीडिएट uh, नोड के एड्रेस की जरूरत होती है जिनको फिजिकल एड्रेस कहते हैं खर वो आगे की बात है लेकिन ये पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए क्या क्या चीज मैंने बताई वो क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों पोर्ट एड्रेस में अब इसके बार कुछ भी नहीं है क्या ये क्लियर है बच्चों एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है बच्चों जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए क्लास को लाइक भी कम आए लाइक भी करते रहिएगा लोगों को बताते रहिएगा कि एक ऐसी कोचिंग है जो गारंटी लेती है कि उसने जो पढ़ा है है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्लियर बच्चों तो याद रखिए आपकी तैयारी में चार चांद लगा दिए जाएंगे बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा क्लियर नेक्स्ट चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन बच्चों इसको देखिए इन ए नेटवर्क ऑफ सिक्स नोट वेयर इच नोड नीड्स टू तो कम्युनिकेट सिक्योरली विद इच अदर बच्चों एवरी अदर नोड यूजिंग सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन हाउ मेनी यूनिक सिमेट्रिक की आर रिक्वायर्ड बच्चों क्लियर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एक बार इसका पूरा पोस्टमार्टम अपन कर लेते हैं पहला पोस्टमार्टम आपने किसका किया पहला पोस्टमार्टम आपने बच्चों पोर्ट एड्रेस का किया और पोर्ट एड्रेस में इसके बाद अब कुछ भी नहीं है इनको जरूर देख के जाइएगा स्टेटिक और डायनेमिक पोर्ट नंबर क्या होते हैं क्या नहीं होते कौन कैसे यूज करता है सर्विस के लिए पोर्ट नंबर की जरूरत होती है कौन डिसाइड करता है याद रखिए ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करती है बिट का एड्रेस होता है याद रखिए पैंसठ हजार पांच सौ छत्तीस टोटल पोर्ट होते हैं नंबरिंग जीरो से लगा के पैंसठ हजार पांच सौ पैंतीस तक है डायनेमिक पोर्ट बच्चों ये यूजर कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है बच्चों याद रखिए वेन नॉन पोर्ट अधिक सर्वर को दिए गए और जो स्टेटिक रजिस्टर पोर्ट होते हैं बच्चों ये कंपनीज को दिए गए कम्युनिकेशन करवाने के लिए बच्चों क्लियर कंपनीज की जो एप्लीकेशन है उनके लिए दिए गए यहां तक क्लियर चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन है इन ए नेटवर्क ऑफ सिक्स नोड वेर इच नोड है और जबरदस्त क्वेश्चनिटी का टॉपिक है तो पहले में एक बार आपको क्रिप्टोग्राफी ऐसे तो जो मेरे स्टूडेंट है उनके बिल्कुल क्लियर होगा लेकिन याद रखिये मैं आपको बार 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 रिवाइज करवाता रहूंगा और कोई भी दो क्वेश्चन मेरी मैराथन में यह आप नोटिस करना कोई भी दो क्वेश्चन कभी कभी भी सेम नहीं आएंगे, कभी भी सेम सेम नहीं नहीं आएंगे, आएंगे। एक क्वेश्चन मतलब, एक, एक, मतलब एक, बच्चों कितने है? ये है. एक दो तीन चार बच्चों क्लियर पांच और छह बच्चों क्लियर अब चलिए इन ए नेटवर्क ऑफ सिक्स नोड वेर इच नोड नीड्स टू कम्युनिकेट सिक्योरली विद एवरी अदर नोड्स बच्चों क्लियर ये इसको भी डेटा भेजेगा 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 और सिक्योर कम्युनिकेशन करेगा बच्चों क्लियर और कौन सी की को यूज करके, की को करके। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को यूज करके यूनिक सिमेट्रिक रिक्वायर्ड तो बच्चों ये सबसे कम्युनिकेशन करना चाहता है बच्चों क्लियर तो आप बताइए टोटल कीज की कितने की जरूरत होगी तो बच्चों आप सबको पता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर अगर मान लीजिए इसने सबसे कम्युनिकेट कर लिया अब बच्चों ये सबसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो इससे तो कम्युनिकेट हो ही गया एक की और बच्चों क्लियर फिर ये की और तो याद रखिए ये की फिर ये की फिर ये की इस तरीके से ये सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बच्चों अब ये मान लीजिए कम्युनिकेट करना चाहता है तो बच्चों ये इससे ये इससे और ये इससे बाकी है फिर ये कम्युनिकेट करना चाहता है बच्चों क्लियर तो ये इससे और ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है और ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है सभी लाइनों को काउंट कर लीजिए बच्चों क्लियर तो कितनी की की जरूरत होगी याद रखना सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में एन एन माइनस वन अपॉन टू की की जरूरत है बच्चों क्लियर लेकिन ये होता क्या है मेन तो वो आपके काम का है बाकी फॉर्मूले तो बच्चों आपको पता है एन एन माइनस वन अपॉन टू नोड कितने छह और ये कितना पांच डिवाइड बाई दो बच्चों क्लियर टोटल कितने सिमेट्रिक की की जरूरत है बच्चों क्लियर तो याद रखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर नोड है और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू अगर वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं सिमेट्रिक की से सिमेट्रिक की एल्गोरिथम के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप बताइए कितने चीज टोटल लगेगी तो कितने चीज लगेगी बच्चों पंद्रह क्लियर अब चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अपन को पूरा समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन तो है नहीं अब इसको समझना क्रिप्टोग्राफी होता क्या है बच्चों क्लियर यहाँ से कंप्यूटर टीचर में भी एक दो क्वेश्चन आए थे कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है बच्चों क्लियर चलिए देखो बच्चों जो यूजर होता है समझना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ इस टॉपिक के थ्रू क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी क्या होता है क्रिप्टोग्राफी बच्चों क्लियर क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कैसे काम करता है और बच्चों कितने तरीके क्रिप्टोग्राफी के वो भी मैं आपको समझाऊंगा बच्चों याद रखिए यहाँ पर कोई भी काम होता है तो वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर होता है टेक्स्ट टेक्स्ट के के अंदर lane, lane के अंदर प्लेन प्लेन बच्चों क्लियर लेन लेन सिक्योर है क्योंकि लेन तो बच्चों सबको पता है लेन लिमिटेड होती है सबको पता है बच्चों ये लेन है और लेन क्या होती है लिमिटेड होती है और जो लेन के अंदर जो कम्युनिकेट करते हैं बच्चों क्लियर वो सिक्योर कम्युनिकेशन माना जाता है लेकिन जब बात इंटरनेट की होगी बच्चों इंटरनेट की तो इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो अनसिक्योर है बच्चों क्लियर तो ये लीजिए यहाँ पर भी कौन सा टेक्स्ट है तो यहाँ पर भी प्लेन टेक्स्ट ही है बच्चों क्लियर तो याद रखिए या प्लेन टेक्स्ट सिक्योर माने जाते हैं बच्चों ये प्लेन टेक्स्ट है अब प्लेन टेक्स्ट को बच्चों में इंटरनेट के ऊपर नहीं भेज सकता ये इंटरनेट है इंटरनेट का मतलब क्या होता है पब्लिक पब्लिक नेटवर्क है अब पब्लिक नेटवर्क है तो बच्चों कोई भी इसको यूज कर सकता है तो बच्चों इसको यूज कौन कर सकता है हैकर भी कर सकते हैं और बच्चों बॉयज भी कर सकते हैं बच्चों, जितने भी तो प्लेन टेक्स्ट वो होता है तो बच्चों यहां पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज करेंगे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होता है कई ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर टीचर में इंक्रिप्शन एल्गोरिथम किसको इंक्रिप्ट करता है तो प्लेन टेक्स्ट को इधर क्या होता है प्लेन टेक्स्ट इधर क्या होता है साइपर टेक्स्ट बच्चों क्लियर हाँ बच्चों प्लेन पर जा रहा है अब, text जब यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है algorithm को यूज करते हैं। बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को अपन यहाँ यूज करते हैं तो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करता है साइपर टेक्स्ट को किसमें चेंज कर देता है बच्चों प्लेन टेक्स्ट बच्चों क्लियर अब चलिए यहाँ पर काम क्या होता है कैसे होती है क्रिप्टोग्राफी वो मेन चीज चीज समझना है ये तो हो गई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है इंक्रिप्शन का मतलब प्लेन को साइपर में बदलना और डिक्रिप्शन का मतलब होता है साइपर को प्लेन में बदलना लेकिन बच्चों याद रखिए क्रिप्टोग्राफी दो तरीके की होती है ऐसे तो मैंने सब कुछ एप्लीकेशन के ऊपर आपको पढ़ा रखा है लेकिन शॉर्ट शॉर्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर भी बताता चल रहा हूँ क्रिप्टोग्राफी कितने तरीके की होती है बच्चों दो बच्चों क्लियर कौन कौन सी दो तरीके की होती है तो याद रखिए एक तो होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बच्चों क्लियर और एक होता है एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक की की क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी बच्चों क्लियर तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बच्चों क्लियर चलिए अब बच्चों सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है बच्चों क्लियर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है कि बच्चों जिस की से लॉक लगता है जिस चीज से लॉक लगता है उसी की से लॉक ओपन होता है बच्चों क्लियर

से लोक लगता है इंक्रिप्शन होता है याद रखना हर एक बंदे के पास दो की होती है बच्चों कौन कौन सी की होती है हर बंदे के पास एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की की बच्चों क्लियर याद रखना प्राइवेट वो हो होती है जो पर्सनल होती है बच्चों क्लियर और पब्लिक की वो होती है जो सभी को, हो को पता है बच्चों जो पूरी पब्लिक को पता है तो बच्चों यहाँ पर जो सेंडर है इसकी भी दो की होती है कौन कौन सी प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक बच्चों क्लियर प्राइवेट और पब्लिक बच्चों क्लियर तो प्राइवेट तो क्या है बच्चों क्लोज है पब्लिक सबके लिए ओपन है यहाँ पर भी बच्चों दो की होती है एक तो प्राइवेट होती है और एक क्या होती है बच्चों पब्लिक होती है प्राइवेट और पब्लिक होती है तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है प्राइवेट तो क्या है बच्चों क्लोज है और पब्लिक सबके लिए ओपन है अब चलिए क्रिप्टोग्राफी कितने तरीके हैं सिमेट्रिक की है क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एजी पेपर बनता है तो ये भरा पड़ा रहता है बच्चों एक क्वेश्चन तो यही से आ गया कि इंक्रिप्शन किसका होता है तो प्लेन टेक्स्ट का ये कंप्यूटर टीचर में आया था इंक्रिप्शन में क्या होता है प्लेन साइफर और डिक्रिप्शन में क्या होता है साइफर प्लेन प्लेन टेक्स्ट किसको कहते हैं जिसको रीड किया जा सकता है साइपर टेक्स्ट किसको कहते हैं जिसको रीड नहीं किया जा सकता बच्चों क्लियर इंटरनेट पे सिक्योरिटी के लिए डेटा को कैसा बनाया जाता है तो साइपर टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करके भेजा जाता है बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अब क्वेश्चन बच्चों इनके ऊपर एल्गोरिथम भी आते हैं उनको भी अपन को देखना है लेकिन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन आती है तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये सेंडर है और यहाँ पर कौन है ये रिसीवर है बच्चों क्लियर तो एक एक सेंडर और ये रिसीवर है अब बच्चों सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है वर्ड सुनिए तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इसको अपन क्या बोलते हैं इसको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं बच्चों क्लियर तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बच्चों प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बच्चों इसके अलावा सिक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं सिक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं बच्चों इसके अलावा सेंडर की क्रिप्टोग्राफी भी इसको कहते 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 है, तो हैं 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 सेंडर की क्रिप्टोग्राफी भी भी आखिर ये ये तो समझ लो बच्चों यहाँ पर जो लोक लगता है याद रखना सिमेट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि लोक याद रखिए अगर मुकेश ने लोक लगाया तो मुकेश की किसी लोक को लेगा ये तो कन्फर्म है मुकेश ने लोक लगाया तो मुकेश की किसी लोक को लेगा लेकिन याद रखना अगर किसी की प्राइवेट की से लोक लगा प्राइवेट की से लोक लगा प्राइवेट की से लोक लगा चाहे मुकेश की से लगाया हो तो मुकेश की प्राइवेट की से ही लोग खुलेगा इसलिए इसका नाम है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बच्चों प्राइवेट की क्यों कहते हैं क्योंकि प्राइवेट की से लोग लगेगा प्राइवेट की से ही खुलेगा सीक्रेट की क्यों कहते हैं क्योंकि ये मुकेश की सिक्रेट की की सीक्रेट है जो किसी को भी पता नहीं सेंडर की क्यों कहते हैं क्योंकि मुकेश यहाँ पर क्या है सेंडर है बच्चों क्लियर तो याद रखिए जो सेंडर होता है उसकी की से इंक्रिप्शन होगा बच्चों क्लियर और कौन सी की से इंक्रिप्शन होगा प्राइवेट की से अब बच्चों एक बार बताइए इंक्रिप्शन हो गया इंक्रिप्शन के अंदर क्या होगा इंक्रिप्शन के अंदर किसको यूज करेंगे अपन मुकेश की प्राइवेट की को यूज करेंगे बच्चों क्लियर तो प्राइवेट की से जैसे ही लोग लगा ये किसके पास है क्यों, के पास है तो बीच में कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता बच्चों क्लियर और आपका मैसेज यहाँ पर पहुंच गया ये लीजिए आपका मैसेज यहाँ पर पहुंच गया लेकिन मैसेज को अभी मैं डिक्रिप्ट नहीं कर सकता मैसेज को डिक्रिप्ट इसलिए नहीं कर सकता क्यों क्योंकि मेरे पास सेंडर की प्राइवेट की नहीं है हर एक के पास पब्लिक की सबकी होती है इसके पास बच्चों ये मुकेश है और ये कौन है अरविंद है बच्चों क्लियर अरविंद के पास मैसेज पहुंचा है लेकिन जो मैसेज है वो यहाँ पर पहुंचा अभी तक यहाँ पर पहुंचा है और बच्चों यहाँ पर किसकी जरूरत है की की डिक्रिप्शन करने के लिए और कौन सी की की सेंडर की 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 जरूरत है और सेंडर की कौन सी की प्राइवेट की की जरूरत है बच्चों क्लियर अब सेंडर की प्राइवेट की वापस भेजी जाती है बच्चों क्लियर पहले क्या जाता है तो फर्स्ट पेज में फर्स्ट पेज में या तो की भेज देते हैं और की अगर फर्स्ट पेज में चले गई तो दूसरे फेज में क्या होगा दूसरे फेज के अंदर मैसेज जाएगा बच्चों क्लियर तो कॉमन सी बात है या दो में काम होता है एक बार की और एक बार मैसेज जब तो मैसेज मान लो यहाँ पहुंच गया तो बच्चों पर एक आपको मैसेज जाता है कि मेरे पास मैसेज पहुंच चुका है और उसके बाद की भेजी जाती है बच्चों क्लियर अब वो की को ओपन कर लिया जाता है इसका मतलब ये टू फेज के अंदर काम होता है तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी सिक्रेट की क्रिप्टोग्राफी सेंटर की क्रिप्टोग्राफी प्राइवेट की से लोक लगेगा सेंडर की की प्राइवेट से खुलेगा भी सेंडर की की प्राइवेट से एक बार मैसेज भेजा जाता है वे डिक्रिप्शन एल्गोरिथम उसी प्राइवेट की को यूज करके मैसेज को ओपन कर लेता है तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अब क्वेश्चन ये है कि सर एक बार बताइए ये दोनों कम्युनिकेट होना चाहते हैं बच्चों क्लियर ये दोनों कम्युनिकेट होना चाहता है तो ये इसको भेजे तो कितने की की जरूरत है एक बच्चों क्लियर और ये इसको भेजे तो कितने की की जरूरत है एक बच्चों क्लियर क्योंकि ये ये संडर, ये 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 सेंडर 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 प्राइवेट रिसीवर रिसीवर बच्चों क्लियर इसका मतलब ये हो गया कि एक लाइन अगर बनेगी तो बच्चों दो की चाहिए इसकी भी चाहिए इसकी भी चाहिए ठीक है अगर मान लो एक और जोड़ दो तो बच्चों इनके बीच में क्या चाहिए तो इनके बीच में बच्चों आप सबको पता है कि अगर ये तीन हो जाए तो बच्चों यहाँ पर आपको कितने की चाहिए इसके लिए दो इसके लिए दो अब इसकी प्राइवेट तो फिक्स है बच्चों क्लियर इसकी प्राइवेट तो फिक्स है तो बच्चों ये ये कितना हो जाएगा? तो ये एक हो जाएगा जाएगा तो बच्चों क्लियर कॉमन सी बात है तो इस तरीके से आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे वो कमरे में हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन नहीं होता कि एक कमरे के अंदर पांच लोग हैं और ये पांचों आपस में हाथ मिलाना चाहते हैं तो कितने की की जरूरत है तो एन एन माइनस वन अपन टू की जरूरत है बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट आपको याद रखना है या फिर ये वर्ड बोल दो कि इतना सा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक सेंडर और एक रिसीवर है और आपस में हाथ मिलाना चाहते हैं तो आप बताइए जब ये इसको भेजेगा तो इसके सेंडर इसकी की की जरूरत है और ये इसको भेजेगा तो इसकी की की जरूरत है मतलब एक लाइन पे दो की की जरूरत है तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों क्लियर तो कितने की की जरूरत होगी तो एन एन माइनस वन अपॉइंट टू सिमेट्रिक की, की आपको जरूरत होगी बच्चों क्लियर तो ये क्वेश्चन का एंड यहीं पर हो गया ये क्वेश्चन था उसको समझने की जरूरत है कि याद रखिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हो रही है तो आप बताइए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है तो कितने नोड है एन तो आप बताइए कितने की की टोटल जरूरत होगी ताकि सारे के सारे नोड कम्युनिकेशन कर सके तो बच्चों एन एन माइनस वन पॉइंट और यहाँ पर नोड कितने है बच्चों छे तो छह पांच बटा दो तो कितना आंसर हो जाएगा पंद्रह बच्चों क्लियर तो ये पहला क्वेश्चन आज आपका खत्म है मेरे हिसाब से यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा एक बार कमेंट कर दो बच्चों क्लियर अब चलिए क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो हमारे सन में आ गया देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बने कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में लो किससे लगता है तो सेंटर की प्राइवेट किससे खुलता किससे किससे है तो सेंटर की प्राइवेट से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम नाम क्या क्या पड़ा पड़ा इसके नामकरण सारे अभी ये था, की को क्या कहते हैं तो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं क्यों कहते हैं ये चीज भी आपके समझ में आ जानी चाहिए कमेंट होते रहने चाहिए फर्स्ट फर्स्ट अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहिएगा शेयर करते रहिएगा मैं बार बार आपके कमेंट नहीं देखना चाहता मैं चाहता हूँ इन बावन दिन में आप प्रोग्रामर बन के आए क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन है बच्चों गुरु जी एसोमेट्रिक को भी समझा दो तो नाम से ही पता चल रहा है की 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 क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी हर व्यक्ति दो की होती है बच्चों क्लियर तो एसोमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है गुरु जी इसको भी समझा दीजिए बच्चों क्लियर एक तो एक चीज तो क्लियर कर लो मुकेश ने लोक लगाया तो मुकेश की, की लोक खोलेगी ये पॉइंट तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों याद रखना वहां पर की को भेजना एक प्रॉब्लम थी बच्चों क्लियर किस में क्रिप्टो एक बार मैसेज जाएगा एक बार की जाएगा या पहले की जाएगी फिर मैसेज क्लियर टू फेस के अंदर कुछ भी नहीं है या तो की डेवलप करो या खुद की यूज करो देखिए कॉमन सी बात है यहाँ पर क्या है बच्चों है और यहाँ पर क्या है बच्चों रिसीवर है बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेंडर की भी दो की होती है बच्चों क्लियर तो ये क्या है सेंडर प्राइवेट की सेंडर प्राइवेट की सेंडर प्राइवेट की बच्चों क्लियर ये भी है सेंडर प्राइवेट की और यहाँ पर क्या है बच्चों सेंडर रिसीवर की सेंडर रिसीवर की रिसीवर की रिसीवर की बच्चों क्लियर रिसीवर की अब यहाँ पर आई है ये क्या है सॉरी सेंडर पब्लिक की है ना ये प्राइवेट की और ये क्या है बच्चों पब्लिक की ये पॉइंट याद रखना ये पब्लिक की बच्चों क्लियर पब्लिक की तो बच्चों यहाँ पर सेंडर की प्राइवेट की है और सिलेंडर की क्या है पब्लिक की है यहाँ पर बच्चों रिसीवर की रिसीवर 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 की कौन सी की है प्राइवेट की है और रिसीवर की क्या है बच्चों पब्लिक की है बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए यहाँ पर पब्लिक की है अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये चीज तो सन में आ गई अब आप बताइए वर्किंग कैसे होगी बच्चों यहाँ भेजना कुछ नहीं जो भी होगा वो वन फेस में होगा तो बच्चों याद रखना इसको एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं बच्चों या रिसीवर की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं रिसीवर की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं क्योंकि लोग रिसीवर की किसे लगता है बच्चों क्लियर याद रखना अच्छा रिसीवर के किसे को लगता है चलो मान लो इससे लगा दिया तो बच्चों एक बार बताओ ये अरविंद सर है कौन है अरविंद सर और यहाँ पर मान लीजिए कौन है तो यहाँ पर मान लीजिए कोई मुकेश है बच्चों क्लियर अब एक बार बताइए एक तरफ अरविंद है एक तरफ मुकेश है अगर मान लो ये प्राइवेट से लोग लगाता हूं तो पब्लिक से लोग खुलेगा क्योंकि अरविंद की प्राइवेट से लगाता हूं तो अरविंद से खुलेगा अरविंद की पब्लिक तो, तो, लोग तो, की पब्लिक तो स... अगर इससे लोक लगा दू अगर इससे लोक लगा दू तो लोक इससे खुलेगा तो सभी लोग खोल लेंगे इसका मतलब इससे तो लोक नहीं लगेगा अगर इससे लोक लगा दू तो बच्चों आगर में इससे लोग लगा दू सेंड्र की पब्लिक से तो बच्चों किसी से लोग खुलेगा ही नहीं क्योंकि सेंटर की प्राइवेट इसके पास है ही नहीं और ना ये भेज सकता है क्योंकि भेजेगा नहीं बच्चों क्लियर भेजेगा नहीं दो फेस में काम नहीं होगा काम एक ही फेस में होगा तो इसका मतलब लोग इससे भी नहीं लगेगा अगर मैं रिसीवर की प्राइवेट की से लोग लगाऊं तो इसके पास तो लोक लगा ही नहीं सकता क्योंकि रिसीवर की प्राइवेट की इसके पास है ही नहीं तो लोग इससे भी नहीं लगेगा तो बच्चों बच्चा कौन रिसीवर की पब्लिक की तो रिसीवर की पब्लिक की इसके पास है इसलिए रिसीवर की पब्लिक की से लोक लग जाएगा रिसीवर की पब्लिक की से लोक लग जाएगा और नाम क्या है एसिमेट्रिक तो बच्चों पब्लिक से लोक लगा तो रिसीवर की प्राइवेट से खुल जाएगा अब रिसीवर की प्राइवेट इन लोगों के पास तो नहीं है जो बेड बॉयज है इनके पास तो नहीं है अब बेड बॉयज के पास तो नहीं है अब बेड बॉयज के पास तो नहीं है तो बच्चों रिसीवर की प्राइवेट की केवल रिसीवर के पास है वो लोग को ओपन कर लेगा बच्चों क्लियर तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आप बताओ डिक्रिप्शन किससे होगा तो रिसीवर की प्राइवेट की से डिक्रिप्शन होगा इंक्रिप्शन किससे होगा रिसीवर की पब्लिक से इंक्रिप्शन होगा एसिमेट्रिक क्यों कहते हैं क्योंकि पब्लिक से अगर लोक लगा तो प्राइवेट से खुलता है पब्लिक क्यों कहते हैं क्योंकि इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन किससे होता है तो इंक्रिप्शन होता है बच्चों पब्लिक से और किस रिसीवर की क्यों कहते हैं रिसीवर की क्रिप्टोग्राफी क्यों कहते हैं क्यों क्रिप्टोग्राफी क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि रिसीवर की, की काम आती है अच्छा उसमें किसकी की काम आ रही थी सेंडर की इसमें किसकी की काम आ रही है रिसीवर के उसमें कौन कौनसी की काम आ रही थी प्राइवेट और इसमें कौन सी की काम आ रही है पब्लिक और बच्चों में कौन सी आ रही है प्राइवेट लेकिन बात से नाम इंक्रिप्शन से पड़ता है बच्चों क्लियर अब एक चीज बताइए चलो ठीक है गुरु जी ये चीज तो हमारे सामने आ गई अगर ये चीज आपके सामने आ गई तो कमेंट कर दो मेरे हिसाब से यहां तक भी क्लियर हो गया होगा सर दो नोड पर दो की लेने का फॉर्मूले से एक की आ रही है देखिए देखिये बताइए अगर अपन बात करें कि एक भेजना है और एक लेना है दो नोट के बीच में कम्युनिकेशन करना है अगर नो, दो नोट के बीच में कम्युनिकेशन करना है कम्युनिकेशन बनाना है तो कैसे बनाएगा मतलब एक की की जरूरत पड़ेगी बच्चों क्लियर कितने की की जरूरत पड़ेगी एक की की जरूरत पड़ेगी क्लियर तो वहां थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्या देख लेते हैं अपन देखो मान लीजिए ये है और ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये करो ये करो तो बच्चों ठीक है ये कम्युनिकेशन बन गया एक ही की जरूरत है अगर तीन होंगे तो बच्चों एक ही इसकी जरूरत होगी एक इसको जरूरत होगी हर एक चैनल पे एक की जरूरत होगी बच्चों क्लियर तो आप बताइए अगर तीन है तो थ्री इंटू टू बाई टू तो टोटल कितना हो गया थ्री सही तो है और अगर मान लो चार हो गए तो तो चार हो गए तो बच्चों हर एक चैनल पे एक ही की जरूरत पड़ेगी बच्चों क्लियर तो ये एक एक दो तीन चार पांच बच्चों क्लियर और छह बच्चों क्लियर तो क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री बाई टू इसका मतलब कितना सिक्स सही है N, N -1 क्या है, है बच्चों क्यों क्योंकि क्यों अब कम्युनिकेशन करना चाहता है, की क्रिप्टोग्राफी है, तो तो ये चाहता है तो एक बार लिंक ये तो एक की की आपको जरूरत है बच्चों क्लियर तो कितने की की जरूरत है हर एक बंदे से कम्युनिकेट ये देख लो चैनल की संख्या कितनी बने या लिंक की संख्या जितनी बनी उतने ही आपको की जरूरत पड़ेगी बच्चों क्लियर ये किससे कम्युनिकेट करना चाहता है इससे 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 तो कितनी की, की जरूरत पड़ेगी तो एक दो और तीन की बच्चों क्लियर अब इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच में देख लो तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लगाना है क्या ये क्लियर है बच्चों सत्यनारायण व्यास सन में आ गया कि याद रखिए दो नोड है लिंक देख लो लिंक जितने नंबर ऑफ लिंक बनेंगे मेस्ट्रोपोलॉजी याद रखिए तो मेस्ट्रोपोलॉजी की तरह ही आपको आंसर देना है एन एन, एन माइनस वन अपॉइंट टू क्लियर चले कहीं पर दो लिख दिया बताया देख लो एक बार एक और एक कम्युनिकेशन है बच्चों क्लियर ये कम्युनिकेशन के लिए एक एक, एक लिंक की जरूरत पड़ेगी क्लियर ठीक है ये पॉइंट में गया चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए ये दोनों कम्युनिकेट करना चाहते हैं बच्चों क्लियर ये और ये चलो कितने नोड है चार बच्चों क्लियर तो एक बार बताइए ये कितनी की को यूज करेगा तो कम्युनिकेशन करने के लिए याद रखिए प्रत्येक नोड दो दो की को यूज करेगा दो की को ये यूज करेगा दो को ये यूज करेगा दो को ये यूज करेगा दो को ये यूज करेगा बच्चों क्लियर याद रखना नंबर ऑफ नोट जितने हैं, बच्चों क्लियर उनका दुगना। तो नंबर ऑफ नोट जितने नंबर्स ऑफ नोट बच्चों क्लियर नंबर्स ऑफ नोट जितना है उसका दुगना बच्चों क्लियर तो कितने की की जरूरत होगी जितने भी है, उसके दुगना, की, -की जरूरत होगी बच्चों कम्युनिकेट करना चाहते हैं सब आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं बच्चों क्लियर तो याद रखिए नंबर ऑफ नोड उसका दुगना तो टू एन आपको ध्यान रखना है नोड की संख्या कितनी है तो नोड की संख्या अगर एन है तो की संख्या कितनी होगी तो की संख्या होगी बच्चों टू एन यहाँ पर प्रत्येक नोड को दो की की जरूरत पड़ेगी बच्चों क्लियर याद रखना कम्युनिकेशन करने के लिए बच्चों एक बार बताइए किस किस की जरूरत पड़ेगी अगर ये भेज रहा है तो रिसीवर तो रिसीवर रिसीवर बच्चों क्लियर और जब ये लेगा तब ये रिसीवर इसका मतलब दो 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 बच्चों दो और दो क्लियर तो याद रखिए टू एन की, की जरूरत आपको पड़ेगी अब आप बच्चों एक क्वेश्चन आया कि आप बताइए सो नोड है सो नोड है कितने नोड है सो हंड्रेड नोड है हंड्रेड नोड है तो आप बताइए की की जरूरत किमें ज्यादा किसमें कम है किसमें किस की की जरूरत कम है किसमें की की जरूरत ज्यादा तो सिमेट्रिक के अंदर फॉर्मूला लगेगा एन एन माइनस वन अफ पॉइंट और एसिमेट्रिक के अंदर फॉर्मूला लगेगा टू एन बच्चों यहाँ पर कितना होगा हंड्रेड इंटू नाइनटी नाइन बाई टू बच्चो क्लियर और यहाँ पर लगेगा कितना टू इंटू हंड्रेड तो यहाँ पर दो सौ की में काम हो जाएगा बच्चों क्लियर टू हंड्रेड की में काम हो जाएगा और यहाँ पर की की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट याद रखना अगर नोट ज्यादा है तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं बच्चों क्लियर यदि नोट ज्यादा है बच्चों क्लियर इफ इफे द नंबर ऑफ नोड नंबर्स ऑफ नोड नोड इन लार्ज क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी बच्चों क्लियर लार्ज क्वांटिटी के अंदर है तो फिर आपको क्या यूज करना है तो एसोमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को आपको यूज करना है बच्चों क्लियर एसोमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को आपको यूज करना है बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट आपके सामने आ गया एसोमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में की को बेचने की कोई जरूरत नहीं है या तो आप की बनाओ या आप की बनी बनाई को यूज करो तो बच्चों याद रखना तो एसोमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में फी के अंदर रिसीवर की रिसीवर की रिसीवर की वर्ड सुनिए रिसीवर की पब्लिक की से लोग लगता है तो रिसीवर की प्राइवेट की से लोग खुलता है बच्चों क्लियर और रिसीवर की प्राइवेट की केवल इसी के पास है और ये दो न्यूमेरिकल भी आपको ध्यान रखना है बच्चों सिमेट्रिक की में वही याद रखना एसोमेट्रिक रखना टू है बच्चों क्लियर और जैसे जैसे नोट बढ़ते जाते हैं एसोमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बेस्ट होती है क्योंकि कम की की जरूरत है बच्चों क्लियर अब मान लो दो नोट से अपन स्टार्ट करते हैं नोट की संख्या अगर दो है तो क्या होगा तो बच्चों नोड की संख्या अगर दो है तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों को देखते हैं बच्चों यहाँ पर एन एन माइनस वन अफन टू होगा तो टू इंटू वन बाई टू होगा बच्चों एक की, की जरूरत है जबकि यहाँ टू एन होगा तो दो की की जरूरत है बच्चों क्लियर अगर नोड की संख्या में मान लीजिए चार कर दू थोड़ी देर के लिए तो ये चार तीन बटा दो होगा और ये कितना होगा बच्चों आठ होगा और ये कितना होगा छह होगा बच्चों जैसे ही मैं नोट की संख्या और आगे बढ़ाता हूँ तो फिर धीरे 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 बच्चों ये कम होता जाता है और ये बढ़ता जाता है मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया आठ कर दिया थोड़ी देर के लिए तो बच्चों ये आठ सात बटा दो होगा और ये कितना होगा बच्चों सोलह होगा तो बच्चों ये कितना होगा? हो हो गया जाएगा और ये सोलह हो जाएगा और सिमेट्रिक की की में की की ज्यादा जरूरत पड़ेगी एसिमेट्रिक से ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं छोटे छोटे बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल क्लियर यहां तक समझ में आ गया एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर दोनों चीज समझ में आ गई वापस सुन लो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बच्चों सेंटर की प्राइवेट किसी लोग लगेगा और एक बार और एक बार की भेजी जाएगी दो में काम होगा सेंडर की प्राइवेट लोग लगता है सेंडर की प्राइवेट किसी लोग खुलता है प्राइवेट की किसी के पास नहीं होती तो बच्चों याद रखना मैसेज पहुंचने के बाद एक्नोलॉजमेंट आता है फिर की भेजी जाती है एसोमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में भेजने भेजने का काम नहीं है भाई भेजेंगे नहीं या तो आप डेवलप कर लो या आपके खुद के पास होनी चाहिए तो गुरु जी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद की प्राइवेट की होती है जिसको अपनी खुद की सिक्रेट की कहते हैं बच्चों मेरी प्राइवेट की को मेरी सिक्रेट की कहेंगे यहाँ पर सिक्रेट की का ट्रांसमिशन हो रहा था लेकिन याद रखना एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर सीक्रेट की का ट्रांसमिशन नहीं होगा बच्चों क्लियर तो फिर वहां पर क्या होगा तो वहां पर बच्चों कंसेप्ट को यूज किया गया से कंसेप्ट को कि ठीक है यार एसमेट्रिक है लोक अगर पब्लिक से लगेगा तो प्राइवेट से खुलेगा और प्राइवेट से लगेगा तो पब्लिक से खुलेगा बच्चों क्लियर तो इस तरीके से लोकिंग सिस्टम को यूज किया गया अब बच्चों सेंडर के तो ना तो पब्लिक से लग सकता है क्योंकि सेंडर के पब्लिक से अगर लोक लगा दिया तुमने तो सेंडर के प्राइवेट से लोग खुलेगा तो बच्चों याद रखिए वो तो रिसीवर के पास है ही नहीं सेंडर के प्राइवेट से लोक लगा दिया अगर आपने सेंडर के प्राइवेट से लोक लगा दिया तो कोई भी खोल लेगा रिसीवर के प्राइवेट से लोग लग नहीं सकता, क्योंकि का है नहीं तो का है तो रिसीवर खुद ही खोल सकता है एक तरीका यह है तो ये लॉजिक आपके समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से लोक लगता है कैसे लोक लगेगा कैसे लोक नहीं लगेगा मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनके कोई एल्गोरिथम है उनकी बहुत चर्चा है मार्केट में यस क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्रिप्टोग्राफी के अंदर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है अरे तुमने एग्जाम दिया है तो तुमको याद होने चाहिए सब बच्चों क्रिप्टोग्राफी दो तरीके की बताई एक कौन सी सीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बच्चों क्लियर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एक कौन सी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बच्चों क्लियर यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं इसके कौन कौन से एल्गोरिथम है तो इसके कौन कौन से एल्गोरिथम तो बहुत फेमस हुए हैं बच्चों एक तो डीई एस और एक एस एल्गोरिथम बच्चों इसकी फुल फॉर्म अभी आई थी शायद सिस्टम असिस्टेंट के अंदर भी आई थी

छप्पन बिट की कीज को यूज करता है ये चौसठ बिट की कीज को यूज करता है इसके अंदर भी तीन कैटेगरी आ गई बच्चों बच्चों कौन कौन सी एस टू टू एस टू एस और थ्री एस बच्चों क्लियर तो ये कितने बिट को छप्पन बिट चौसठ बिट ये इसका दुगना एक सौ अट्ठाइस बेट और ये एक सौ बानवे बिट की यूज करता है बच्चों क्लियर और भी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन चौसठ का फॉर्मूला या आपको याद रखना है इधर छप्पन के फॉर्मुला चलते हैं बच्चों डीईएस जो पुराना सिस्टम है बच्चों याद रखना जितनी बड़ी की होगी जितनी बड़ी बिट की की होगी उतना ही इंक्रिप्शन बच्चों सोलिड होगा और उतना ही डिक्रिप्शन मुश्किल होगा बच्चों क्लियर तो वन डी बच्चों और बच्चों क्या है थ्री डी एस बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है वन डी एस बच्चों छप्पन बिट की की को यूज करता है बच्चों टू डी एक सौ बारह बिटकी की को यूज करता, करता है इसका दुगना और ये बच्चों छप्पन का तीन गुना वन सिक्सटी एट बिटकी की को यूज करता है तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए

तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम में ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों कौन कौन से एल्गोरिथम है जो बहुत फेमस है बच्चों क्लियर कौन सा RSA. इसकी फुल फॉर्म आई थी पिछली बार बच्चों आई ए के अंदर राइवेस्ट, इस बार बार के नहीं पिछली बार. राइवेस्ट, समीर और एल्डलमैन समीर और क्या है बच्चों एल्डल एल्डलमैन एल्डलमैन बच्चों क्लियर ये कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं तो ये प्राइम फैक्टर के सिद्धांत पे काम करते हैं प्राइम फैक्टर के सिद्धांत पे ये काम करते हैं बच्चों क्लियर ये कितने बिट की कीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये एक हजार चौबीस बेट या फिर उसके मल्टीपल दो हजार अड़तालीस बेट की, की को यूज करते किसके लिए लोक लगाने के लिए बच्चों एक और होता है एसिमेट्रिक की एसमेट्रिक्राफी के अंदर डेफी बच्चों क्लियर डेफी डेफी बच्चो हेलमेन की एक्सचेंज बच्चों क्लियर डेफी एलिमेंट की एक्सचेंज मेथड यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों क्लियर बहुत बार आया डेफी एलिमेंट की एक्शेंट बच्चों कौन सी की एक्शेंट सीक्रेट की एक्शन सीक्रेट की एक्शेंट तो ट की एक्सचेंज बच्चों क्लियर याद रखिए इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं ये क्या करते हैं सिक्रेट की बनाते हैं याद रखना बच्चों भेजते नहीं है बनाते हैं और ये क्या करता है ये बच्चों प्राइम फैक्टर के को यूज करके बच्चों आरएसएल अपना काम करता है तो ये पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए याद रखिए इनकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डीएच की निकालिए क्लियर है बच्चों एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है कोई दिक्कत नहीं अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर ये तो हमारे सब में आ गया डी एस में फुल फॉर्म याद रखना है और बच्चों छप्पन का पारा और चौसठ का पाड़ा याद रखना है डी ई एस पुराना एलगोरिथम एस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसमें की, -की संख्या ज्यादा होगी बच्चों वो एल्गोरिथम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा बच्चों क्लियर याद रखिए आर एस ज्यादा बेस्ट है इनसे और डेपी एलमेन को अभी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है तो इसमें सीक्रेट की को ट्रांसफर नहीं किया जाता सीक्रेट की बनाई जाती है बच्चों क्लियर अब इनके कंसेप्ट को भी मैं आपको समझा देता हूँ याद रखना इस टॉपिक टॉपिक में से आपको दो से तीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके डायरेक्ट सिक्योरिटी लिख रखा है कोर्स में तो सिक्योरिटी के अंदर बच्चों क्रिप्टोग्राफी आपको जबरदस्त तरीके से आनी चाहिए बच्चों क्लियर कौन कौन से तरीके की है कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं किस तरीके से अपन चीज को यूज करते हैं विचार कीजिए कंसेप्ट बनाइए तब जाके सोल होंगे न तो ऐसे सोल नहीं होंगे अब बच्चों इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं किसके ऊपर आर एस एओ हेलमेन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं तो बच्चों इन न्यूमेरिकल की भी मैं चर्चा कर देता हूं। तो आर क्या होता है तो ये भी समझ लीजिए आर क्या करता है बच्चों ये आपका सेंडर है बच्चों क्लियर अलर्ट रहना ये सेंडर है और यहाँ पर क्या है बच्चों यहाँ पर रिसीवर है बच्चों क्लियर सेंडर और रिसीवर ये कहता है कि ठीक है यार आप ए... देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है समझने की कोशिश करना यहां पर बच्चों प्लेन टेक्स्ट होता है सबको पता है ये फॉर्मुले कैसे काम करते हैं वो भी समझना यहां पर प्लेन टेक्स्ट होता है पर टेक्स्ट बनता है ये है ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता बच्चों क्लियर या आपका इंटरनेट होता है बच्चों क्लियर यहां पर क्या होता है आपका डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है यहाँ पर साइपा टेक्स्ट होता है यहां पर क्या होता है प्लेन टेक्स्ट होता है बच्चों क्लियर अब सुनिए सुनो ये प्लेन टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट का इंक्रिप्शन किससे होता है तो बच्चों प्लेन टेक्स्ट का इंक्रिप्शन

बच्चों क्लियर तो टेक्स्ट के ऊपर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम एन करने से क्या आ जाता है प्लेन टेक्स्ट बच्चों क्लियर तो याद रखिए कोई ये पूछे कि आप बताइए तो याद रखना यहाँ पर आपको दो प्राइम नंबर देते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर के ऊपर काम करता है राये समीर एल्डलैन ने यह कहा था बड़े प्राइम नंबर के गुणा से प्राइम नंबर निकालना बहुत मुश्किल है बच्चों क्लियर जब तक प्राइम नंबर निकालोगे तब तक मैसेज ही पहुंच जाएगा तो बच्चों हैकर उसको तोड़ ही नहीं पाएगा जब तोड़ नहीं पाएगा तो याद रखिए दो बड़े बड़े प्राइम नंबर लो उनका गुणा करके छोड़ दो और ये पता करो कि वो प्राइम नंबर कौन से है जब तक हैकर उनका पता करेगा तब तक बच्चों मैसेज पहुंच जाएगा ये इसी सिद्धांत पे काम करता है दो प्राइम नंबर के जो दो बड़े प्राइम नंबर के मल्टीपल का फैक्टर करके ये पता करना कि कौन से प्राइम नंबर से मिलकर बना है ये बड़ा मुश्किल है इसी सिद्धांत पे आरएसए का एल्गोरिथम काम करता है बच्चों यहां तक भी क्लियर अब यहां पर आइए बच्चों दो प्राइम नंबर आपको दिए हुए होते हैं दो प्राइम नंबर आपको गिवन होता है बच्चों क्लियर कोई भी दो प्राइम नंबर अपन ले लेते हैं और बच्चों यहाँ पर क्या देगा कभी वो आपको पब्लिक की देगा पब्लिक की दे देगा और कभी आपको क्या दे देगा प्राइवेट की तो प्राइम नंबर गिवन गिवन टू टू प्राइम नंबर इस क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं टू प्राइम नंबर गिवन है एक तो ये चीज आपको गिवन है और एक पब्लिक की गिवन है और क्या पूछ लेगा प्राइवेट की पूछ लेगा बच्चों क्लियर तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कभी प्राइवेट देगा

और बच्चों याद रखना ये तभी काम करता है एल्गोरिथम जब ई की वैल्यू बच्चों और के बीच में हो तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना जितना भी आ रही है बोर्ड के सामने बच्चों क्लियर इसको कैच करना यहां से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चों क्लियर वापस सुन लो दो प्राइम नंबर देगा पब्लिक की देगा प्राइवेट की पूछ लेगा बच्चों कई बार क्या होगा ये दे देगा प्राइवेट की यहाँ रखना साहब टेक्स्ट पूछ लेगा जो भी आपको दे वो जस्ट सामने कितने कंसेप्ट आपको याद रखना है

आर एस एलगोरिथम के अंदर ये और लिख दिया आरएसएलथम के अंदर पी दे रखा है क्यू दे रखा है ई दे रखा है और डी बताना है बच्चों क्लियर चले स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नेट का तो फेवरेट टॉपिक है नेट में तो हर बार ये क्वेश्चन आता ही है इसके बिना नेट अधूरा है बच्चों क्लियर आर एस एलगोरिथम और तुम्हारे फुल फॉर्म आती है अरे गरीब बच्चों तुम्हारे तो फुल फॉर्म ही आती है आर एस की फॉर्म बताओ बीई की फुल फॉर्म बताओ एईएस की फुल फॉर्म बताओ प्लेन टेस्ट क्या होता है ये बताओ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कोई एक क्वेश्चन नहीं कराया मैंने सो के आसपास क्वेश्चन बोल दिया कोई समझदार है तो सो क्वेश्चन बोल चुका हूँ कि कितने की जरूरत है एसिमेट्रिक की कितनी बनेगी कितने की जरूरत है कोई एक दो क्वेश्चन कराने में नहीं आता हूं याद रखिए जब मेरे एक क्वेश्चन आ गया तो मान के चलो सृष्टि का प्रत्येक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा लेकिन आप में लेवल होना चाहिए अगर आप में ही लेवल नहीं है तो बच्चों पूरा एप्लीकेशन पढ़ के आ जाइए आपका लेवल बन जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर आई अब क्वेश्चन यह है कि तेरह ग्यारह डी बताना है तो एक बार बताइए सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं क्या एन। तो एन बच्चों ग्यारह हो गया बच्चों क्लियर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तेरह इंटू ग्यारह कितना बनता है तेरह इंटू ग्यारह कितना बनेगा तो बच्चों ये बन गया ग्यारह तीन तैतीस और एक और ये कितना एक सौ तेवीस बच्चों क्लियर नहीं गड़बड़ होगी एक सौ तीस एक सौ तैतालीस वन फोर्टी थ्री बन गया बच्चों क्लियर तो ये वैल्यू कितनी बन गई बच्चों 143 बच्चों अगर अपन को चाहिए क्या फाइव एन तो बच्चों एक कम करो इसमें 12 और एक इसमें से कम करो 10 बच्चों ये कितना बन गया 120 बच्चों क्लियर फाइव कैसे निकालते हैं एक एक कम कर दो एन. कई बार वो एन पूछ लेता है कई बार फाइव एन पूछ लेता है कोई दिक्कत नहीं है अब बच्चों अपन सबको पता है इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दू तो ई कितना है बच्चों पैतीस ई कितना है पैंतीस अच्छा डी कितना है पता नहीं डी पता नहीं बच्चों क्लियर के पता नहीं फाइव एन पता है कितना एक सौ बीस और प्लस प्लस कितना बच्चों वन अब के की वैल्यू बच्चों सबको पता है के की वैल्यू आप वन टू थ्री फोर फोर ऐसे पुट करते जाइए और कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होगी बच्चों क्लियर पब्लिक और प्राइवेट की जो भी आएगी वो इंटीजर वैल्यू होगी एक बार बताइए के वन पुट करूंगा तो ये बनेगा एक सौ इक्कीस में पैंतीस का भाग नहीं जाएगा के टू पुट करूंगा तो ये बनेगा दो सौ चालीस दो सौ इकतालीस एक बार चेक कर लो किस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है बच्चों क्लियर फिर के थ्री के फोर के फाइव इस तरीके से पुट करते हुए जाइए क्लियर कुछ बन रहा है क्या बच्चों चेक कर लेते हैं ना तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई हो लेकिन एक चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वन टू थ्री फोर अगर वन पुट करोगे तो एक सौ इक्कीस पैंतीस से डिवाइड नहीं होगा दो पुट करोगे तो ये हो गया दो सौ चालीस दो सौ इकतालीस पैंतीस से डिवाइड नहीं होगा तीन पुट करोगे तीन सौ तो सात तीन सौ तो सात प्लस एक तीन तो नहीं होगा चार पुट करोगे तो भी नहीं होगा पांच पुट करोगे चार से चार से भी नहीं होगा तीन से भी नहीं होगा कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं हो गई ठीक है देख लेते हैं क्वेश्चन है ही मेरे पास नेट वाला क्वेश्चन है तेरह और सत्रह है और पैंतीस है चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों क्लियर प्राइम नंबर थर्टीन एंड सेवनटीन बच्चों क्लियर पी कितना और क्यों कितना है बच्चो सेवनटीन क्लियर है पी थर्टीन क्यों सेवनटीन पब्लिक की कितना है पब्लिक की आपकी कितनी पैंतीस क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया क्योंकि वो कटेगा नहीं गलत तो क्या है दुनिया के सारे क्वेश्चन सही है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों क्लियर तो एन बताइए एन कितना है तेरह इंटू सत्रह बच्चो क्लियर सत्रह इक्यावन सत्रह इक्यावन पांच और बाइस दो सौ इक्कीस बच्चों क्लियर फाइव एन कितना है बच्चों तो इसमें से एक कम कर दो बारह और ये सोलह वन नाइन टू बच्चो क्लियर चले अब क्वेश्चन ये उठता है है कि सर ठीक यहां तक तो अपन को क्या चाहिए प्राइवेट की चाहिए तो बच्चों क्या है ईडी बराबर क्या होता है बच्चों क्लियर ईडी अब ई कितना है बच्चों पैंतीस है और यहाँ पर किसकी बात करना है डी की और के अपन को पता नहीं फाइव एन कितना है बच्चों 192 है 192 1. अब के की वैल्यू क्या होगी तो के वैल्यू बच्चों ऐसे चलते जाइए वन पुट करोगे तो वन नाइन थ्री बनेगा डिवाइड नहीं होगा टू पुट करोगे तो वन नाइन टू इंटू टू थ्री एटी फोर थ्री एटी फोर प्लस अब थ्री एटी फाइव जैसे ही बनेगा बच्चों नीचे पैंतीस से डिवाइड हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्यारह बच्चों क्लियर तो अगर कोई पूछे प्राइवेट की कितनी है तो कितनी है ग्यारह ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों क्लियर अब क्वेश्चन की प्राइवेट की, की तो ग्यारह है। है? की कितनी है तो प्राइवेट की कितनी है बच्चों पब्लिक की, तो की कितनी है तो ये भी आपको पैंतीस अगर मैं ये बोल दू की ठीक है गुरुजी जी प्लान की अगर मैं बात करूं रिपीट कर रहा हूं प्लेन टेक्स्ट दे दे आपको कितना प्लेन टेक्स्ट बताइए और साइपर टेक्स्ट आपको दे दे

प्लेन का इंक्रिप्शन करो बच्चों क्लियर प्लेन का इंक्रिप्शन करो और मोड एन कर दो बच्चों क्लियर मोड एन और बच्चों जब ये इंटरनेट से यहाँ पर पहुंच जाए तो डिक्रिप्शन है आपको साइपर टेक्स्ट दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए साइपर टेक्स्ट कितना है दो बच्चों इसके ऊपर डी कितना डी मतलब प्राइवेट की कितनी ग्यारह मोड एन मोड एन Mode, और एन कितना है बच्चों कितना पैंतीस तो अब बच्चों पैंतीस के चला जाएगा तो बच्चों पैंतीस कितना एक सौ सत्तर एक सौ सत्तर पैंतीस दो सौ पांच होता है ना? तो एक सौ पिचहत्तर कितनी बार चला गया बच्चों पांच बार क्लियर तो कितना हो गया पच्चीस दो पांच या पंद्रह दो सत्रह बच्चों क्लियर ये कितना नो हो गया और ये कितना दो ट्वेंटी नाइन और ये एट बच्चों क्लियर कितनी बार चला गया सात बार सात बार सात पांच पैंतीस दो इक्कीस इक्कीस और दो कितना हो गया तेईस बच्चों क्लियर यहाँ पर हो गया तीन और यहाँ पर हो गया छह बच्चों क्लियर तो यही ना? नहीं सात नहीं आठ बार जाएगा कितनी बार आठ बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई एक बार वापस कैलकुलेशन कर लेते हैं आठ बार जाएगा आठ पांच चालीस बच्चों क्लियर और कितना चार अड़ती चौबीस और चार कितना अट्ठाइस तो यहाँ पर आठ एक अट्ठारह बच्चों क्लियर तो इसका मतलब प्लेन टेक्स्ट कितना आ गया आपका एटीन तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तो कैसे आ रहे किस तरीके से करेगा किस तरीके से नहीं अगर में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए क्लियर तेरा इंटू सत्तर की क्या जरूरत है जीतू तेरा इंटू देखिए एक बार बताओ बताऊ मैं आपसे पूछूं कि दो इंटू तीन बराबर छ होता है क्लियर तो आप ये बताइए दो तीन करने की क्या जरूरत है बताइए आप मेरे को बताइए मेरे को आप हाँ तो जो जैसे बना है, वैसे तो आपको करना है। उसने ये बताया लेकिन उसने बड़े प्राइम नंबर लिए बच्चों क्लियर आठ आठ नो नो दस दस डिजिट के प्राइम नंबर लिए उनको मल्टीप्लाई किया उसमें ये पुट किया और उसने कहा हैकर को पता कर लो तुम अगर तुम्हारी ओकात है तो, तो बच्चों उसने कहा कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे काम किया बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए लेकिन हैकर नहीं कर सकता क्योंकि छोटे नंबर नहीं अपन ने तो छोटे नंबर लिए हैं मैं तो कंसेप्ट बता सकता हूं छोटे बड़े आपका दिमाग क्यों खराब करूं बच्चों क्लियर उसका कंसेप्ट था कि बड़े प्राइम नंबर गया सबके समझ में आ गया सबके समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि उस आरएसए ने क्या बताया आर एस ए ने यह बताया डाइवे समीर एल्डलमैन तीन लोग थे उन्होंने ये बताया कि हमारा एल्गोरिथम इस तरीके से काम करेगा और उनके एल्गोरिथम को मेरे को आपको पढ़ाना है अब ऐसा क्यों किया क्यों नहीं किया उसका रीजन एक ही है कि बड़े प्राइम फैक्टर को कैलकुलेशन करके फैक्टराइजेशन करना देखिए दो बड़े प्राइम नंबर लो आठ आठ डिजिट के लो उनको मल्टीप्लाई करके मैं आपको दे दू बताओ ये किसके गुणन है आप निकाल लोगे क्या उसमें टाइम बहुत लग जाएगा और टाइम खपाने के लिए टाइम खपाने के लिए आर एस एलगोरिथम आया ताकि हैकर उनके फैक्टर नहीं कर पाए जब तक वो फैक्टर करे तब तक मैसेज पहुंच जाए क्लियर ये समझ आ गया सर बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन क्या है टीसीपी आईपी के अंदर आ जाएगा बाबू आ जाएगा क्लियर सर लेकिन उससे नहीं हुआ ना उसका कैलकुलेशन में हो गया ना हो गया बच्चों उसमें क्यों नहीं हुआ वो क्वेश्चन भी हो जाएगा बच्चों क्लियर भरते जाओ के का कोई यही एंड है क्या के की वैल्यू चलती जाएगी चलती जाएगी आप इंटेलिजेंट होने चाहिए आर एसए को इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होगा कहीं ना कहीं तो के आएगा बच्चों क्लियर के पुट करते जाओ के पुट करते जाओ के पुट करते जाओ लेकिन मैं केवल आपको समझा सकता हूँ आपको बच्चों अगर डेटा मिले वैसे तो, तो नहीं मिलेगा आपको वही डेटा जैसे नेट का क्वेश्चन है तो कैसा क्वेश्चन आया वो आपके समझ में गया होगा ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया क्लियर है, है बच्चों चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए ये कह रहा है डेपी हेलमेट की एक्शन अब बच्चों डेपी हेलमेन क्या एल्गोरिथम है तो इसको भी समझ लेना क्लियर बार कमेंट करो सारे बच्चे कि आर एस एस में आ गया वहां पर कौन सा था डी एस एस क्लियर है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्या होता है ये क्लियर है नंबर ऑफ की का कंसेप्ट क्लियर है क्रिप्टोग्राफी क्या होती है ये पूरा क्लियर है अच्छा कोर्ट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर दिया वो क्लियर है क्लियर है बच्चों थोड़े फटाफट फटाफट फटा -फट, बोलते जाओ कि हाँ ठीक है सर क्लियर क्लियर क्लियर, क्लियर लिखते जाइए और जो नए हैं वो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी गारंटी है सारे बच्चे याद रखिए अंबिका क्लासेस फेमस है अपने रिजल्ट के लिए कोई एक दो दस बीस पचास साठ बच्चों की नौकरीया नहीं लगती है बच्चों अलग ही कोचिंग है ना तो उड़ा देंगे इन सब को। स्टार्ट करते हैं डेपी हेलमेन के कंसेप्ट को भी अपन समझ लेते हैं अब डेपी हेलमेन क्या कहता है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है वो किसका कंसेप्ट था वो आर एस का था आरएसए क्या कहता था आर एस ए ये कहता था दो प्राइम फैक्टर के गुणा करके अगर किसी को दे दो और वो ये कहे कि इसके फैक्टर करके बताओ बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है बच्चों बहुत मुश्किल है बच्चों क्लियर क्यों क्योंकि बड़े 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 प्राइम फैक्टर को गुणा करके अरे कोई भाग अगर जाता तो मैं भाग दे दे के देख लेता लेकिन उनमें तो किसी का भाग ही नहीं जाएगा क्योंकि प्राइम फैक्टर को जब मैं अलग करूंगा तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या आएगी बच्चों क्लियर तो यही कंसेप्ट उसने बताया था क्लियर है बच्चों तो ये सारा लॉजिक मान लो कोई ये कह दे कि देतीस इंटू सैतीस को मल्टीप्लाई करता हूं और एक नंबर लेता हूं जो भी नंबर आएगा ना उसमें दो का जाएगा ना उसमें तीन का ना उसमें चार का ना उसमें का ना उसमें में। उसमें में पहली बार इकतीस का जाएगा तो बच्चों तब मैं इतना बड़ा डेटा ले लेता हूं और ये प्राइम नंबर है तो जब तक चेक करेगा कंप्यूटर भी चेक करेगा तब तक तो डेटा पहुंच जाएगा ये कंसेप्ट था क्लियर चले अब टॉपिक पे आ जाइए टॉपिक क्या है

बच्चों क्लियर किसकी सेंडर की सेंडर की सिक्रेट की, की कितनी है बच्चों बच्चों एक्स का मतलब सिक्रेट की है और सेंडर की प्राइवेट की अपन को पता नहीं है बच्चों क्लियर यहाँ पर आइए रिसीवर की सिक्रेट की कितनी है तो रिसीवर यानी बॉब बच्चों क्लियर बच्चों रिसीवर की रिसीवर की रिसीवर की प्राइवेट की कितनी बच्चो oui. है बच्चो बच्चों क्लियर रिसीवर की प्राइवेट की रिसीवर की खुद की प्राइवेट की कितनी है तो बच्चों कितनी है छे है और बच्चों याद रखना नहीं सॉरी पंद्रह है कितनी है पंद्रह है कितनी है पंद्रह रिसीवर की प्राइवेट की कितनी है पंद्रह रिसीवर की प्राइवेट की पंद्रह है बच्चों क्लियर रिसीवर की प्राइवेट की कितनी है पंद्रह और रिसीवर जो है उसकी पब्लिक की आप उनको पता नहीं बच्चों क्लियर चले अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है ये पूरा डेटा आपके साथ आ गया एक डेटा दो डेटा एक डेटा दो डेटा ये दोनों शेयरबल है अच्छा प्राइवेट की कोई भी शेयर नहीं करता इस किसके पास है इस किसके पास है बच्चों क्लियर पब्लिक की जब बनेगी तब शेयर कर देंगे अभी पब्लिक की नहीं है तो बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये अपनी पब्लिक की बनाएगा किससे बनाएगा अपने इस पैरामीटर से बनाएगा तो पब्लिक की बनाने का क्या तरीका है बच्चों क्लियर तो याद रखिए ए के ऊपर जो ए है कौन सा बेस बच्चों क्लियर तो ए के ऊपर ये अपनी क्या लगाएगा प्राइवेट की लगाएगा और मोड़ क्या कर देगा एन कर देगा बच्चों क्लियर तो एक बार बताइए ए के ऊपर क्या लगेगा ए के ऊपर लग जाएगा बच्चों पांच बच्चों क्लियर

बच्चों ये क्या है इसकी प्राइवेट की खुद की पर्सनल प्राइवेट ये क्या है इसकी खुद की पर्सनल प्राइवेट इसकी पब्लिक पता नहीं तो पब्लिक निकालने का तरीका है बेस के ऊपर आपको प्राइवेट लगाना है मोड एन कर दो तो बच्चों बेस कितना है पांच प्राइवेट कितनी अच्छे है बच्चों मोड़ कितना है मोड एन मोड़ मोड मोड कितना हो जाएगा तेवीस बच्चों क्लियर अब एक बार बताइए पांच को छह बार गुना करो कितना आ रहा है एक बार बता दीजिए मेरे को चेक करके पांच को छह बार गुना करके फिर तेवीस से भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा तो मैं काम करो पांच को छह से गुना कर दो तो एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस आ जाएगा एक सौ पच्चीस इंटू एक सौ पच्चीस आ जाएगा एक सौ पच्चीस इंटू पांच छह सौ पच्चीस कितना हो गया एक सौ पच्चीस का दुगुना दो सौ पचास और बासठ बच्चों तीन सौ बारह कितना हो गया इकतीस एक सौ पच्चीस इंटू इकतीस कितना हो गया तो, एक इंटु एकत्य। इंटु एकत्य। हो गया। तो बच्चों एक सौ पच्चीस इंटू इकतीस एक सौ छप्पन बच्चों क्लियर तो पंद्रह छह सौ पच्चीस आ जाएगा बच्चों क्लियर अब पंद्रह छह सौ पच्चीस पंद्रह छह सौ पच्चीस पंद्रह छह सौ पच्चीस को तेईस से डिवाइड कर दो तो बच्चों कितना हो गया तेईस पांच एक सौ पंद्रह तेईस छह बच्चों क्लियर बारह में से आठ गया तेईस कितना? कितना हो गया छह और ये सोलह बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू आई एसवाई वो कितनी आ गई सोलह बच्चों क्लियर एक बार चेक कर लेना सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है बाकी चेक कर लेना अब बच्चों यहाँ पर आ जाए ये अपने पब्लिक प्राइवेट पब्लिक निकालेगा किससे अपने पैरामीटर से बच्चों, बच्चों क्लियर और मोड़ क्या हो जाएगा तो मोड़ बच्चों क्या हो जाएगा एन एन का मतलब कितना बच्चों तेवीस मोड़ एन एन का मतलब कितना हो गया तेवीस अब बच्चों यहाँ पर कितना है पांच और आर एक्स कितना है तो आर एक्स कितना है बच्चों पंद्रह और मोड़ कितना तो मोड़ कितना बच्चों तेवीस बच्चों क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं एक बार इसको भी निकाल लीजिए कितना आ रहा है पांच को पंद्रह बार गुना करो और मोड़ निकाल के देखो मोड़ निकाल के देखिए मोड़ कितना आ रहा है बच्चों क्लियर मोड़ निकाल के देखिए कितना मोड़ आ रहा है पंद्रह छह सौ पच्चीस वो तो सही है यहाँ का पब्लिक की कितना आ गया सोलह यहाँ का पब्लिक की भी निकाल लीजिए पांच की पावर कितना हो गया पंद्रह हो गया और मोड़ तेवीस बच्चों करके देखो हिम्मत मत मतारो कैलकुलेटर उठा लो ये क्वेश्चन आ जाती है कई बार आ जाती है और अगर कोई ये कहना चाहे कि सर हमको तो डायरेक्ट बता दो हम वैसे नहीं करेंगे तो आपको बच्चों एक छोटा टॉपिक पढ़ा होगा कभी मैथ में पांच इंटू पांच इंटू पांच बच्चों कितनी बार तो बच्चों कितनी बार करना है? आ, कितनी बार? बार. कितनी बार? बार और इसका है? इस से मॉड्यूला निकालना है किससे से तो बच्चों पच्चीस पच्चीस कर दो पच्चीस 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 कितनी बार बारह बार क्लियर मैथ को सबको सोल्व करने के तरीके है बारह बार और यहाँ पर क्या कर दो एक बार पांच और यहाँ पर क्या कर दो तेवीस बच्चों यहाँ पर हो गया दो दो कितनी बार बारह बार दो 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 बारह बार का मतलब हो गया बच्चों दो 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 बच्चों कितनी बार बारह बार बारह बार दो 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 पर कितना बच्चों पांच अब बच्चों और यहाँ पर कितना तेईस है ठीक है अब आ जाइए ये बारह बार करते तो फोर जीरो नाइन सिक्स है इंटू पांच और नीचे कितना तेवीस एक काम करो और कर दीजिए एक बार तो इसी में कर देते हैं अपन या फिर एक काम करो इसको और थोड़ा सा खत्म कर देते हैं ताकि और कैलकुलेशन इजी हो जाए बच्चों बारह बार है तो एक काम करो बारह बार है तो छे छह को मिला दो चौसठ 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 पांच बच्चों क्लियर नीचे तेवीस तेम छियालीस तो पांच पांच बच्चों क्लियर और ये भी कितना हो गया पांच एक सौ पच्चीस और ये तेवीस और कर दो एक बार तो तेवीस तेवीस चौर तेवी में तेईस चौक एक सौ बारह बच्चों क्लियर एक सौ बारह तो ये कितना बच गया तेरह बच्चों यहाँ पर जो आर वाई आई वो कितनी आई तेरह क्लियर ये पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए तो यहाँ पर एस वाई सोलह आई यहाँ आर वाई कितनी आई तेरह अब बच्चों इसकी सीक्रेट की बनानी बच्चों क्लियर तो इसकी सीक्रेट की कितनी बनेगी के ऊपर बच्चों और, तो और तो तेरह की पावर बच्चों क्लियर तेरह की पावर इसकी प्राइवेट की तो तेरह की पावर बच्चों याद रखना क्या बोला मैंने तेरा बना यहां पर तेरा यानी पब्लिक के ऊपर यहां पर क्या बना यहां पर बन गया आपका तेरह तेरह इधर आ जाएगा बच्चों क्लियर तो प्राइवेट की कितनी आपकी छह तो छह के ऊपर तेरा लगा दो और मोड़ क्या कर दो एन कर दो और बच्चों ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो इसकी प्राइवेट की कितनी है इसकी प्राइवेट की कितनी है पंद्रह और इसके ऊपर कितना लगा दो सोलह और मोड़ एन कर दो बच्चों क्लियर दोनों बराबर आएंगे एन का मतलब कितना है बच्चों तेवीस एन का मतलब कितना है तेवीस और यहाँ पर भी एन का मतलब कितना तेवीस तो जो यहाँ वैल्यू निकल के आई वही वैल्यू यहाँ निकल के आएगी इस वैल्यू से लोक लगा दो इस वैल्यू से लोक ओपन कर दो बच्चों क्लियर की नहीं की की और जो की आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी बच्चों क्लियर निकाल के देख लीजिए कितनी की आ रही है उससे पता चल जाएगा छह की पावर तेरह मोड़ तेवीस और बच्चों पंद्रह की पावर सोलह मोड़ तेवीस दोनों में एक ही की आएगी उससे ही लोक लगेगा उससे सीक्रेट की भेजी नहीं है बनाई तो छह की पावर तेरह करके देखो और मोड़ कर दो किससे तेवीस से तो बच्चों एक बार बताइए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा आ, तीन तीन से अगर छह छत्तीस छत्तीस कर दो या तो या फिर करके देखना तो इससे आंसर आ जाएगा क्लियर सर बारह नहीं पंद्रह बार मल्टीप्लाई करना है देखो पंद्रह बार मल्टीप्लाई करना था हाँ तो वो कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ हो गई है ना एक बार सब आ गया होगा छोटा डेटा ले लो अगर कोई छोटा डेटा है आपके पास

पब्लिक की बन जाती है और अपनी पब्लिक की को शेयर कर देते हैं तो वो अपनी प्राइवेट पे पब्लिक इसकी पब्लिक लगा के मोड कर देगा और बच्चों इसकी प्राइवेट के ऊपर उसकी पब्लिक मोड हो जाएगा क्लियर इस तरीके से अपन को करना है सर नहीं है है ठीक है? तो ये कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना मेरे हिसाब से तक क्लियर हो जाना चाहिए अगर कोई आपके पास इजी डेटा है गूगल से निकाल लो अगर कोई इजी डेटा है तो आप लिख दीजिए कि सर की छोटा सा इजी डेटा है इसको अपन सोल्व कर लेते हैं क्लियर इनको बनाना मुश्किल काम है बच्चों इन क्वेश्चन को कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तो तो किस तरीके से आपको ये करना है क्लियर एक कैलकुलेशन बताऊं एक लिख बता देता हूं. ये है यहाँ पर सेंडर का ए पता है और सेंडर का एन पता है सेंडर की क्या पता नहीं है तो सेंडर की पब्लिक की पता नहीं है और सेंडर की प्राइवेट की सेंडर को खुद को पता है बच्चों क्लियर यहाँ पर है बच्चों क्लियर ये ए पता है एन पता है और यहाँ पर इसकी खुद की 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 पता है बच्चों क्लियर तो पर की तो पर पब्लिक पब्लिक कैसे बनेगी इसी के डेटा से बनेगी ए के ऊपर प्राइवेट की डालेंगे सेंडर की प्राइवेट की मोड एन कर देंगे बच्चों क्लियर और इसकी पब्लिक की कैसे बनेगी तो इसकी पब्लिक की इसी डेटा से बनेगी क्लियर इसके इसका डेटा क्या है ए और इसकी प्राइवेट की क्या है तो सेंडर की प्राइवेट की

तो लेकिन उन्होंने शेयर नहीं किया बनाया है और बराबरी निकलेगी क्या निकलेगी बच्चों इसकी क्या निकलेगी तो इसकी निकलेगी इसकी जो प्राइवेट की है इसकी प्राइवेट की है बच्चो इसकी की है बच्चों तो क्लियर रिसीवर रिसीवर की 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 तो जो प्राइवेट उसके ऊपर सेंडर सेंडर पब्लिक पब्लिक की को पुट करेंगे और मोड एन हो जाएगा बच्चों क्लियर तो ये पॉइंट याद रखना तो सीक्रेट की से लोक लग जाएगा यहाँ पर सीक्रेट की से लोक लग जाएगा और इस सीक्रेट की जो दोनों सेम है ये लोक खोल देगी बिना ट्रांसमिट किए अगर बिना ट्रांसमिट किए इंक्रिप्शन होता है तो याद रखिए उसको एसेमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं क्लियर ठीक है अगर कोई डेटा है क्या आपके पास किसी के पास कोई डेटा है तो बताइए डी हेलमेन लिख दो गूगल में डेपी हेलमेन जॉन एंड रिकी प्रिमेटिव रूट जी छ और जॉन प्रिमेटिव ए तीन है रिकी प्राइवेट की एक मिनट रुकी मैं ले लेता हूं मिस्टर राज एक मिनट है ना ए, रिक्की यू डेपी एलिमेंट प्रोटोकॉल विद कॉमन प्राइम नंबर पी इलेवन एंड रूट जी कितना कॉमन प्राइम नंबर डेपी एलिमेंट प्रोटोकॉल विद ए कॉमन प्राइम नंबर पी इलेवन एंड ए प्रेमेटिव रूट जी सिक्स ठीक है पी कितना है बच्चों इलेवन और जी कितना है बच्चों सिक्स ठीक है और क्या दे रखा है इफ जोन प्राइवेट की ए इज थ्री एंड रिक्की प्राइवेट की बी इज टू जॉन की कितनी है तीन और रिक्की की कितनी है बच्चों दो क्लियर ये इसकी प्राइवेट की है प्राइवेट की है प्राइवेट की है बच्चों क्लियर प्राइवेट की है और ये इसकी प्राइवेट की है प्राइवेट की है ये इसकी प्राइवेट की है इधर कौन है रिक्की और इधर कौन है जॉन क्लियर ठीक चीज ठीक है तो जॉन एंड जॉन एंड रिक्की द दी एलमेंट प्रोटोकॉल कॉमन प्राइम नंबर पी इलेवन इलेवन एंड ए प्रिमेटिव रूट प्रिमेटिव रूट ठीक है जी सिक्स प्रिमेटिव रूट को ए कहते हैं और इसको क्या कहते हैं एन कहते हैं ठीक है बच्चों यहां पर भी आ जाएगा कितना सिक्स और एन कितना हो गया इलेवन ठीक है रूट जी सिक्स इफ जोन प्राइवेट की A जोन की प्राइवेट की कितनी है जोन प्राइवेट की A थ्री जॉन की प्राइवेट की कितनी है बच्चों थ्री जॉन की तीन है जॉन की प्राइवेट की तीन है और रिक्की की प्राइवेट की कितनी है तो रिक्की की प्राइवेट की है नीरा रिक्की प्राइवेट की इज ठीक है बच्चों क्लियर चलिए अब बच्चों देखिए इसको अपन यूज करके देखते हैं इसकी पब्लिक की निकल के आ जाएगी इसकी पब्लिक की क्या होगी तो इसकी पब्लिक की होगी बच्चों टू के ऊपर मतलब सिक्स के ऊपर टू मोड इलेवन बच्चों मोड इलेवन तो मोड इलेवन तो कितने आ गई थ्री ठीक है अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए इसकी इसकी क्या निकालनी है पब्लिक की इसकी पब्लिक की निकालनी है तो इसकी पब्लिक की ए, ए कितना है बच्चों छ के ऊपर इसकी प्राइवेट की कितना तीन और मोड मोड कितना बच्चों इलेवन बच्चों क्लियर मोड इलेवन तो बच्चों ये कितना दो सो सोलह दो सो सोलह मोड इलेवन कर दो मोड इलेवन करेंगे तो टू वन सिक्स मोड इलेवन ये कितना वन जीरो सिक्स और ये नाइनटी नाइन और ये कितना सेवन तो ये कितना निकल के आ गया सेवन ठीक है अब इसकी प्राइवेट पे उसकी पब्लिक लगा दो टू की ग्यारह तो ये कितना हो गया सात बच्चों क्लियर तो यहाँ की जो सेक्रेट की निकल के आई जो इंक्रिप्शन की सेक्रेट की है वो कितने निकल के आई सात बच्चों क्लियर यहाँ पर आ जाइए इस प्राइवेट के ऊपर तीन के ऊपर क्या लगा दीजिए के ऊपर पब्लिक की क्या लगा दीजिए तीन बच्चों क्लियर तीन के ऊपर तीन लगा दीजिए और मोड़ कितना करना है तो मोड मोड कितना करना करना है है बच्चों बच्चों क्लियर तो ग्यारह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सत्ताइस सत्ताईस नौ नौ तीन सत्ताइस और मोड़ इलेवन बच्चों क्लियर तो ये कितना हो गया बाईस और ये कितना हो गया तो ये कितना पांच तो यहाँ पांच आ रहा है और यहाँ पर सात ये गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन ग्यारह एक अठारह अठारह तो ग्यारह कितना हो गया सात सिकेट की सात और यहाँ पर कितना आ रहा है ग्यारह दो बाईस तो ये कितना आ रहा है पांच तो यहाँ पर कितना कैलकुलेशन देखो एक बार एक बार कैलकुलेशन देखिए सब बच्चे क्या गड़बड़ हो रही है तो बच्चों के ऊपर कितना लग गया टू कितना हो गया थर्टी सिक्स डिवाइड बाई ग्यारह ग्यारह तो कितना आ गया डिवाइड बाई ग्यारह तो मोड हो गया तीन ठीक है यहाँ पर सिक्स के ऊपर कितना बच्चों थ्री तो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स टू वन सिक्स 11. तो बच्चों ये हो गया दस ये कितना हो गया छह ग्यारह नौ निन्यान में कितना हो गया सात ठीक है ये सात आ गया अब बच्चों टू के ऊपर कितना कर दो सेवन टू के ऊपर सेवन मोड इलेवन तो टू के ऊपर सेवन मोड इलेवन बच्चों क्लियर ये कितना हो गया, गया।, तो गया तो सिकरेट की आ गई सात अब बच्चों इधर थ्री के ऊपर इधर प्राइवेट की कितनी है थ्री थ्री के ऊपर थ्री रखो कितना हो गया ट्वेंटी सेवन मोड इलेवन ये कितना पांच बराबर आनी चाहिए थी सर तीन की पावर दो होगी तीन की पावर दो इधर प्राइवेट कितनी है आपकी सात की पावर दो बनेगी ना बच्चों देखो एक बार बताइए यहां तक तो क्लियर आपके कोई दिक्कत ही नहीं कैलकुलेशन को ढंग से करूं ठीक है तो क्या करना है इधर जो इधर से इसकी प्राइवेट की है इसकी प्राइवेट की कितनी है तो इसकी प्राइवेट की कितनी है दो आ, गड़बड़ कर दी क्या ये प्राइवेट है ये प्राइवेट है ये पब्लिक बन गई ठीक है ये पब्लिक बन गई ये प्राइवेट है और ये पब्लिक बन गई ठीक है यहां तक सही है अब बच्चों पर क्या होगा इस पब्लिक के ऊपर ये पब्लिक जाएगी उधर ये पब्लिक जाएगी उधर और वो पब्लिक आएगी इधर और मोड इलेवन सही है अंत तक तो क्या दिक्कत है यह पब्लिक जाएगी उधर और यह पब्लिक आएगी इधर तो टू की पावर सेवन टू की पावर सेवन एक काम हो सकता है शायद फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी मैंने आ, ये पब्लिक जाएगी इधर तो प्राइवेट 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 ऊपर रहती है पब्लिक नीचे रहती है तो तीन की पावर थ्री और मोड कितना इलेवन एक तो ये करूं तो प्राइवेट ऊपर रहती है और पब्लिक नीचे रहती है तो सेवन की पावर टू और मोड इलेवन मोड इलेवन ठीक है तो ये हो गया फोर्टी नाइन मोड इलेवन तो ग्यारह ये कितना हो गया ग्यारह तीन तैंतीस ग्यारह चार चम्बालीस कितना आ गया पांच और यहाँ पर बच्चों सत्ताइस और ये ग्यारह ये भी कितना आ गया पाँच हाँ ये गड़बड़ हो रही थी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही थी याद रखना यहाँ पर क्या होता है ये पॉइंट याद रखना पब्लिक नीचे रहती है प्राइवेट ऊपर लगती है बच्चों क्लियर पब्लिक नीचे रहती है प्राइवेट ऊपर लगती है तो पब्लिक के ऊपर इस केस में पब्लिक पब्लिक क्या है तो रिसीवर की, की की ध्यान रखना रिसीवर की पब्लिक की के ऊपर सेंटर की प्राइवेट मोड है यही तो फॉर्मूला है फॉर्मुला में गड़बड़ कर दी थी लगाने में समझ में आ गया होगा तो बच्चों ये क्या हो गया सीक्रेट की आ गई यहाँ पर बच्चों क्लियर तो आप बताइए यहाँ पर थ्री की पावर थ्री मोड है पाँच पांच

तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है तो ये सिक्रेट की निकल के आएगी सिक्रेट की किसकी जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों में काम आती है क्या ट्रांसफर हुई की नहीं लेकिन फिर भी सिक्रेट से काम हो गया ये होता है डेपी हेलमेन क्लियर है बच्चों तो ये मैंने आज आपको क्रिप्टोग्राफी का सारा सार समझा दिया क्वेश्चन तो बच गए लेकिन बच्चों याद रखिए हजारों क्वेश्चन अब आप कर सकते हो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा बहुत शानदार वीडियो है बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर करके चलेगा लेंगे कल कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता क्लियर धन्यवाद